गाइस, आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, अभी गणपति बप्पा फाइनली कुछ ही दिन में हमारे घर पे आ रहे, तो उसका जो एक्साइटमेंट है वो कुछ ऊपर लेवल पे है, लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहा हूँ। वो तो हर किसी के दिल में रहता ही है नर्वस फील, क्योंकि गणपति बप्पा हमारे घर पे आ रहे, तो उनका स्वागत के लिए हम तैयारी करते हैं। तो हम भी, मैं, मेरा भाई, मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली, सब लोग लगे पड़े हैं गणपति बप्पा का डेकोरेशन के लिए, जहाँ पे गणपति बप्पा विराजमान होने वाले है। तो हमने एक थीम तो मतलब डिसाइड कर ही लिया है कि हमें क्या बनाना है, तो उसके ऊपर अभी हम काम करने जा रहे हैं। सो होप कि अच्छा ही बनेगा। एक्चुअली सही में बोलूँ तो गणपति बप्पा खुद ही अपने से सब काम करवा देते हैं, और जो भी डेकोरेशन करना है वो तो अच्छा ही बनता है, क्योंकि वहाँ पे गणपति बप्पा विराजमान होते हैं, तो इसका टेंशन तो लेना नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं ये डेकोरेशन का पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि बहुत देर, मेरा ये पहला ब्लॉग आने वाला है गणपति डेकोरेशन बापा का। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे गणपति बापा, और बहुत सारे मतलब मेरे फैमिली मेम्बर आए हुए हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग से लेकर कोई ना कोई हमारे फैमिली में बीमार हो पर सारी मेरे Hi guys,
आई एम विश्रांत दादा सिस्टर। हाँ ये मेरी बहन है, पागल बहन। सॉरी कि जैसे स्टार्टिंग में मैं बीमार पड़ा, जो आपको मैंने बताया, बाद में मेरी मम्मी बीमार पड़ी, भाई बीमार पड़े, ऐसे में मेरा ये जो ब्लॉग है थोड़ा लेट एडिट हो रहा है। फिर भी आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और बहुत ही जल्द मैं गणपति बप्पा का आगमन का भी वीडियो डालने वाला हूँ, और धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगा गणपति बप्पा का ब्लॉग डालते रहूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।